अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं आगे। ये क्या कह रहा है देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था सेंट्रोसोम तक, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, सेंट्रोसोम इज ऑफ स्पर्मेटेड इज मेड अप ऑफ टू सिलेंड्रिकल सेंट्रल्स। ओके, अब ये दो स्पर्मेटेड्स का जो सेंट्रोसोम है, ये दो सिलेंड्रिकल सेंट्रल से मिलकर बना होता है, विच आर अरेंज एट द राइट एंगल्स टू इच अदर, जो एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर क्या है, अरेंज रहते हैं एट ग्रूव्स, यानी कि जो खांच होती है इस फॉर्म्ड मिड पोस्टीरियर रीजन, ठीक है ना, जो एक बीच का पोस्टीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा होता है ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना, इन विच वन सेंट्रियोल इज प्लेस्ड फॉर्मिंग राइट एंगल एट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस स्पर्म, ठीक है ना। अब ये देखो क्या कह रहा है कि जो ग्रूव वाला हिस्सा है उसमें एक सेंट्रल प्रेजेंट रहता है, जिसे आप लोग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हो, ठीक है ना, और दिस सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसे आप लोग क्या बोलते हो, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। द अदर डिस्टल सेंट्रियोल टेक द पोजीशन बिलो द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, जो दूसरा डिस्टल वाला है वो कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल के नीचे होता है, प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, जो स्पर्म की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड होता है, राइट। अब देखो क्या कह रहे हैं, द डिस्टल सेंट्रियोल विच फॉर्म्स द फिलामेंट और इन द बेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना, जो फिलामेंट को प्रोड्यूस करता है और बेसल ग्रेन्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्लियर है, ऑफ एक्सियल फिलामेंट, द एक्सियल फिलामेंट इज द मेन पार्ट ऑफ टेल ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, वो स्पर्म की टेल का मेन पार्ट होता है। इन अ सिंपल कंडीशन की बात करें, द टेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओनली एक्सियल फिलामेंट लाइन बाय द थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब देखो, जो आप लोगों का फिलामेंट है उसके आगे चारों तरफ एक लेयर होती है साइटोप्लाज्म की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इन कॉम्प्लेक्स कंडीशन टेल इंक्लूड अदर फाइबर्स, टेल के अंदर दूसरे फाइबर्स होते हैं एज इट मेम्बर्स द मैक्सिमम प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम प्रोटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटेड इज यूजलेस, यानी कि स्पर्मेटेड का जो मैक्सिमम प्रोटोप्लाज्म क्या है वो क्या यूजलेस होता है स्पर्म के लिए, एंड इट इज रिमूव्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, और वो कब होता है, एक्रोसोम के फॉर्मेशन के टाइम पर रिमूव कर दिया जाता है द एपिकल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटेड बिगन्स टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू विच अ थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा लिबा मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट विद द एक्रोसोम, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो इनका नॉर्मली क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिससे क्या है कि पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिमा मेम्ब्रेन है वो अटैच रहती है किससे, एक्रोसोम के कॉन्टैक्ट में रहती है, ठीक है ना। When the tail is being formed from middle part, at that time उस समय the remaining cytoplasm of spermatid is attached with the middle part of the sperm after arranging the mitochondria around the basal part of axial filament, remaining cytoplasm with reduced residue of Golgi body separate the sperm at last. The thin layer of cytoplasm remain around the mitochondria in the middle part and the separated cytoplasm is destroyed, ठीक है ना। अब ये क्या कहें, माइटोकॉन्ड्रिया के फाइबर जो है वो बन जाते हैं और जो रिमेनिंग साइटोप्लाज्म वो क्या है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब इस पर मेटलोसिस, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, आउट व्यू या आउटर स्ट्रक्चर। मेटाबॉलिकली एंड फंक्शनली द स्पर्मेटिड इज डिफ्रेंशिएट इंटू स्पर्म्स, ठीक है ना। अब क्या है कि स्पर्मेटिड जो है वो चेंज होते हैं किसमें, स्पर्म में, बाय स्पर्म मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू, स्पर्म मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। इन दिस प्रोसेस द स्पेरिकल नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड डेवलप फ्रॉम द स्पर्मेटोसाइट्स इज कन्वर्टेड इंटू थ्रेड लाइक मोटाइल हैप्लॉइड स्पर्म, ठीक है ना। अभी क्या है कि इसमें नॉर्मली जो नॉन मोटाइल स्पर्म्स हैं वो हैप्लॉइड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटेड फॉर्म द हेड, ठीक है, न्यूक्लियस जो वो हेड बनाता है एंड द गोल्गी बॉडी फॉर्म द एक्रोसोम, और गोल्गी बॉडी क्या है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म द मिडिल पीस और माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस एंड डिस्टल सेंट्रियोसोम फॉर्म द टेल। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस द हेड ऑफ स्पर्म इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में जो हेड है वो किस में एम्बेडेड रहता है बेटा, वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहता है, डूबा हुआ रहता है, ठीक है। एट लीस्ट स्पर्म्स आर रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेशन, और तब तक डूबा हुआ रहेगा जब तक स्पर्म्स जो है वो उनको स्पर्मिएशन के थ्रू बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द एनिमल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है ना। नॉर्मल एनिमल बॉडी के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, हॉर्मोन्स, मेंटल स्टेटस एंड हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। एंटीरियर क्या होता है, आगे वाला ऐसा लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन LH एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन,
ठीक है, ये दोनों हॉर्मोन्स इसमें काम आते हैं। LH जो है वो स्टिमुलेट करेगा किसको, लीडिंग सेल्स को, ठीक है, बाय विच एंड्रोजन्स आर सीक्रेटेड। यानी LH क्या करेगा, अब देखो हॉर्मोनल रिलीजन है, ठीक है ना, LH क्या करेगा, ये नॉर्मली किसको सीक्रेट करेगा, एंड्रोजन्स को सीक्रेट करेगा, किसमें से, लीडिंग सेल्स में से, ठीक है ना। और एंड्रोजन किसको स्टिमुलेट करेगा, FSH को स्टिमुलेट करेगा, और वो क्या करेगा सर्टोल सेल्स के ऊपर, और जो कुछ फैक्टर रिलीज करेगा जिससे क्या स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एट प्यूबर्टी, प्यूबिक एज में एक्सेस अमाउंट ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग GRH हार्मोन जो है, GnRH हार्मोन जो है स्टार्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करता है, ठीक है, शुरू करता है इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। इट इज़ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है विच स्टिमुलेट, जो कि स्टिमुलेट करता है द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट को। द स्पर्म कैन रिमेन अलाइव फॉर द सेवरल ईयर्स, स्पर्म जो है वो जिंदा बचे रहते हैं काफ़ी सालों तक के लिए, ठीक है, इन ट्रैंक्विलिटी रिलीजिंग रेस्टिंग स्टेज एंड कोल्ड स्टोरेज, बट द लाइफ स्पान ऑफ द 50 to 60 minutes ऑफ एक्टिव कंडीशन इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। ओके, अगला क्या कह रहे हैं, ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर। बेटा बेसिकली ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें, मेल गैमेट और स्पर्म इज मच साइंटिफिक स्पेसिफिक सेल, ये बेटा एक स्पेसिफिक सेल है, एक विशेष प्रकार की कोशिका है, फॉर प्रोवाइडिंग द हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड एक्टिवेट द एग ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एक तो इनमें हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और ये एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग किसके दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। एक टिपिकल मैमेलियन स्पर्म, ठीक है, एक टिपिकल मैमेलियन स्पर्म की अगर हम लोग बात करें, इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। अब हेड में देखो क्या कहता है, हेड इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस, हेड जो है वो उसमें न्यूक्लियस होता है एंड एक्रोसोम। हैप्लोइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज फाउंड विद इन द प्रोटामाइन प्रोटीन इन द न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस में कौन सी प्रोटीन होती है, क्रोमोसोम के साथ में प्रोटामाइन प्रोटीन होते हैं ऑफ फॉर हेरिडिटी फंक्शन, ठीक है। एक्रोसोम इज सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर एंड, वो कहाँ होता है, एंटीरियर एंड ऑफ स्पर्म बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एसिडिक प्रोटीन एंटी फर्टिल रीजन जो है वो किस में होती है, हेड ऑफ स्पर्म में होती है एंड इनसाइड द स्पर्म लाइसिन, और उसमें क्या होता है, लाइसिन एंजाइम होता है, एक्ट एज हाई, अब लाइसिन एंजाइम की तरह कौन कौन से होते हैं, हाइलुरोनिडेज और कैथेप्सिंस, ठीक है ना, ठीक है। ओके, अब देखो इस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा एरिया हेड है, हेड के सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में कौन कौन सा एंजाइम है, लाइसिन एंजाइम है, लाइसिन एंजाइम में कौन कौन सा है, हाई एल्यूरोनिडेज, ठीक है, और कैथेप्सिंस, ठीक है। ओके, और इसमें कौन सी प्रोटीन होती है बेटा, इसमें हेड में एंटी फर्टिलिजिन, ठीक है, और ये प्रोटीन कैसी है, एसिडिक प्रोटीन है, क्लियर है। और दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है, क्रोमोसोम के साथ में जो बाइंडेड है वो कौन सी प्रोटीन है, प्रोटामाइन प्रोटीन, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड क्रोमोसोम मटेरियल है प्लस में प्रोटामाइन प्रोटीन होती है। ओके, ये वाला पार्ट है नेक है, नेक में कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और मिडिल पीस के अंदर बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रियन फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर होता है आपका डिस्टल सेंट्रियोल, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो टेल एक्सिस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। द मिडिल पीस जॉइंट्स हेड बाय द नेक, ठीक है, मिडिल पीस जो है हेड को नेक से जोड़ता है, नेक हैज़ अ टू सिमिलर सेंट्रियोल, ठीक है ना, इसमें दो होते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को फर्टिलाइजेशन के बाद में फॉर्मेशन के लिए काम करता है। इट इज सिचुएटेड टू द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इन द मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर एरिया में होता है, ठीक है ना। डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो क्या बनाता है, फॉर्म द एक्सिस ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चरली द एक्सिल फिलामेंट सिमिलर टू, अच्छा इसका जो एक्सिल फिलामेंट है, ये टेल का जो फिलामेंट है, ये फ्लेजिलम के जैसा होगा, यानी कि इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+2 का अरेंजमेंट होगा, किसका अरेंजमेंट होगा, 9+2 का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ओके, द डिस्टल सेंट्रियोल ऑल्सो वर्क एज अ वेसल बॉडी, ये वेसल बॉडी की तरह काम करता है, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या कह रहे हैं, द फिलामेंट्स आर सराउंडेड बाय, फिलामेंट्स आर सराउंडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडिल पीस विच आर एक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है ना। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के फिलामेंट है वो क्या काम करते हैं भाई, रेस्पिरेटरी एंजाइम के थ्रू ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे कि एनर्जी बनती है। इन मैमल्स, मैमल्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म द रिबन लाइक नेबेनकेन वाइल द थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म द मैंचेट टुवर्ड द पेरीफेरी, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ मिडिल पीस द फाइब्रस रिंग आर प्रेजेंट एट द कॉल्ड रिंग सेंट्रल, ठीक है सर, रिंग सेंट्रल बोलते हो जिसे आप लोग एनस और जॉन्स रिंग बोलते हो, ठीक है। इट का इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि एंट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनटू टेल रीजन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री को क्या करना, रोकना, ठीक
क्लियर। अगला है टेल। टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट है। इन द एंड पार्ट ऑफ एंड पार्ट फॉर्म द पॉइंटेड रीजन ऑफ टेल व्हाइल द मेन पार्ट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ टेल इन विच एडिशन टू 9+2 स्ट्रक्चर द साइटोप्लाज्म एंड द थिक फिलामेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म और थिक फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? आगे क्या कह रहा है देखो, ये आगे कह रहा है कि हाँ, स्टोर्ड फूड राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस ये सारे आरएनए जो है एब्सेंट होते हैं। ठीक है, स्पर्म्स आर रिलीज्ड बाय द सेमीफेस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेल के टेस्टिस में से रिलीज होते हैं विच आर ट्रांसपोर्टेड विद द सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस। जो कि एपिडिडाइमस वास्टर फ्रेंड्स इनसे होते हुए आगे निकलते हैं। ठीक है ना, विच आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ। अच्छा, इनके सिक्रीशन क्या करते हैं? स्पर्म के मैचुरेशन के लिए और मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द सेमिनल प्लाज्मा विद द स्पर्म मेल ह्यूमन रिलीज। अच्छा, ह्यूमन मेल जो है लगभग 200-300 मिलियन स्पर्म जो है एक टाइम में रिलीज करता है। आउट ऑफ 60% मस्ट बी नॉर्मल शेप एंड साइज और फास्ट मोबिलिटी। इस एक्टिविटी परफॉर्म द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। ठीक है ना, ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म कराता है, यानी कि अचीव कौन करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन अचीव कराता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की बात करें, इन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑल फॉर्म्ड फॉर गैमेट्स और द स्पर्म्स आर एक्टिव इन द मेल वाइल द फीमेल ओनली गैमेट्स और ओम इन द डेवलप। ठीक है ना, उसमें गैमेट और ओम डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्पर्म्स जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है ना, एक मेल होने सर कितने स्पर्म्स डेवलप होते हैं बेटा? 4। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब पूछ रहे से